ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। देन देर इज द क्वेश्चन ऑफ द स्टेटमेंट आई मेड इन बॉम्बे। वॉट इज द क्रूशियल पॉइंट ऑफ द स्टेटमेंट? आई हैड सेड एट द अमृतसर कांग्रेस एंड एट अदर प्लेसेस रिपीटेडली दैट बॉम्बे वुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड बाय सम डेमोक्रेटिक प्रोसेस वॉट इट शुड डू एंड वेयर इट शुड गो। फॉर माई पार्ट आई वुड बी एक्सीडिंगली हैप्पी इफ बॉम्बे वेंट टू महाराष्ट्र। आई हैव एब्सोल्यूटली नो रीजन अगेंस्ट इट एंड आई थिंक देर आर मैनी गुड एंड वैलिड आर्ग्यूमेंट्स फॉर बॉम्बे गोइंग टू महाराष्ट्र। बट आई से देर आर वैलिड आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो ऑन द अदर साइड। इन दिस डिफिकल्टी वी थॉट दैट द बेस्ट वे वॉज टू अलाउ बॉम्बे टू डिसाइड। इट मे बी डन इवन नाउ बट एज आई पॉइंटेड आउट द कंडीशंस हैव बीन सच एंड सो मच पैशन हैज बीन अराउज्ड दैट इट इज नॉट येट द राइट टाइम टू डिसाइड इट। लेट थिंग्स कूल डाउन। आई हैव रिपीटेडली सेड दैट नॉर्मलिटी शुड प्रिवेल एंड देन द पीपल शुड डिसाइड। आई डू नॉट मीन दैट यू विल नेसेसरीली हैव अ रेफरेंडम एंड ऑल दैट बट इफ देर इज अ गुड एटमोसफियर आई हैव नो डाउट दैट इट वुड बी फार सिंपलर टू सेटल दिस मैटर विदाउट एनी सच कंबरसम प्रोसीजर। आई वॉज होपिंग फॉर दैट एंड आई स्टिल होप फॉर दैट। एट द मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी इन बॉम्बे आई वॉज नॉट टू माई थिंकिंग मेकिंग एनी अनाउंसमेंट ऑफ अ ग्रेट डिसीजन। I was merely stating what I had stated repeatedly, my view and I am somebody after all. A prime minister is a prime minister and he can lay down the policy of the government. I know something about democratic procedure. I know something about party procedure. I know what the prime minister's duties are and in the constitution that we have and Britain has, the Prime Minister is the linchpin of government. To say that the Prime Minister cannot make a statement is itself a monstrous statement. I entirely fail to understand where the Honorable Member has got his acquaintance of democracy and of what under the present Constitution of India and England the Prime Minister is. What he can do and what he cannot do. I am something more than the Prime Minister. We are all something more. We are the children of the Indian Revolution, and that still exists in our body and spirits.